नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्क्वेयर रूट ऑफ 42.25। देखिए इसका स्क्वेयर रूट फाइंड आउट करना है, 42.25, तो डेसिमल को हटाऊंगा डिनोमिनेटर में 100। अब देखिए अगर मैं ऑप्शन से करूं तो ये कितना है, 42 है, अगर 5 का स्क्वेयर करता हूं तो 25 प्लस में आएगा, ठीक है, थोड़ा सा प्लस में, तो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ 42.25 है और 4.5 यानी 4 का स्क्वेयर करता हूं तो 16 आता है, लेकिन 0.5 है तो थोड़ा सा प्लस में आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। 7 का स्क्वेयर करता हूं तो 49 आएगा और 7.5 का स्क्वेयर 49 प्लस आएगा, तो ये भी गलत है, ये ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा 65, ठीक है ना, ये हमारा आंसर है। अगर वैसे इसका आंसर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आप करिए क्या, 42.25, 100 का मैं स्क्वेयर रूट लूंगा तो बाहर क्या आ जाएगा, 1/10, ठीक है ना, और अंडर रूट में कितना है, 42.25, ठीक है। तो इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले आप पेयर बना लीजिए, पहले दो डिजिट के और फिर दो डिजिट के, तो जो 25 है उसमें जो 5 डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, वो किन नंबर के स्क्वेयर करने से आएगा, देखिए 5 आता है 5 से ही, अगर मैं 5 का स्क्वेयर करूं तो मेरे पास 5 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक है, तो ये तो आ गया मेरे पास फर्स्ट डिजिट मेरे आंसर का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर है उसमें करिए क्या, इसके जो सबसे नजदीक परफेक्ट स्क्वेयर है उस नंबर को लिखिए, अब 42 के नजदीक होता है 36, ठीक है, अब 36 किसका स्क्वेयर होता है, 6 का, ठीक है, अब 6 को किससे गुना करना है, 6 से एक अधिक अधिक नंबर से, 6 में एक जोड़ दीजिए, यानी 6 का जो नेक्स्ट नंबर कितना है, 7, तो 6 और 7 को, यानी 6 और 7 को गुना कर दीजिए, कितना आया, 42, ठीक है। अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 42 किसके बराबर है, 42 के, तब तो ये 6 ही सिलेक्ट करना है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 65, ठीक है ना, यानी इसकी वैल्यू आ गई 65 और डिनोमिनेटर में क्या था, 10 था, ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 65, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इसके अलावा कोई दूसरा मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है ना, जैसे कि मैंने ले लिया, मुझे इसका निकालना है 13.69 का, ठीक है ना, मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, ये दो डेसिमल है, डेसिमल के सॉरी दो डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी 100 बाहर आके कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा, अंडर रूट 1369, ठीक है। फिर वही करना है, जो ये यूनिट डिजिट 9 है ये कैसे आएगा, या तो अगर मैं 3 का स्क्वेयर कर दूं तब भी 9 आ जाता है, और 7 का स्क्वेयर करूं तब भी 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 हमारे आंसर का जो पहला डिजिट रहेगा, या तो 3 रहेगा या 7 रहेगा। फिर क्या करना है, नेक्स्ट पेयर बनाइए, तो पहला पेयर बना दिया मैंने 6 और 9 का, दूसरा पेयर बनाइए 13 का, ठीक है, दूसरा पेयर किसका बनना है, 13 का, अब 13 के नजदीक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन सा है, तो वो होगा 9, और 9 किसका स्क्वेयर होता है, 3 का, ठीक है। अब करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, 3 को उससे नेक्स्ट नंबर से गुना कर दीजिए, यानी 3 को गुना करना है 4 से, तो कितना आंसर आ गया, 3 चौक 12। अब हमें इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, अगर ये जो गुना करने पे नंबर आया है ये पेयर से कम है, जैसे कि आप देख सकते हो 12 13 से कम है, अगर कम आए तो आपको ज्यादा वाले को चुनना है, तो हमारा आंसर क्या बना, दूसरा डिजिट तो बन गया 3, और पहला डिजिट हमारे पास 3 और 7 था, तो उसमें से हमारा आंसर क्या आया, 7, यानी 37 हमारा क्या आ गया, अंडर रूट 31369 का आंसर आ गया, ठीक है, और गुना में क्या था, 1/10, इसके इक्वल आ जाएगा 3.7, राइट, तो यानी अंडर रूट 13.69 से इक्वल आ गया 3.7 के, तो इस तरह से निकालना है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है।